है फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ग्रीष्मा स्वागत करती हूँ। मैं जा रहा हूँ कोको क्रंची खाने। ये जा रहे हैं कोको क्रंची। अभी शाम के बज रहे हैं 7। शाम बोलो, रात बोलो, जो भी बोलो आप लोग। मेरा मन पसंद है कोको क्रंची। तो इनको मैं बोल रही हूँ कि दूसरा पैकेट खा लो। तो ये वाला पैकेट ले आए हैं। ये वाला, इसमें बहुत सारे रहते हैं। मुझे ये ब्लू वाला खाना है। तो इनको बोल रहे हैं कि नहीं, वो मैं नहीं खाऊंगा। वो बड़ा वाला पैकेट है, एक ही फ्लेवर है चॉकलेट का। बोल रहे नहीं, इसमें अलग अलग शेप है, अलग अलग डिजाइन है, तो ये वाला इनको ज्यादा पसंद आता है। और अलग अलग कलर भी है। हाँ, तो अलग अलग कलर है। तो ये खाएंगे। और मैं बैठी हूँ सब्जी काटने। तो आज मैं जा रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज की कौन सी दही बेसन वाली सब्जी बनाने। दही बेसन वाली सब्जी बनाने में जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या कैसे बनता है। अगर पॉसिबल हुआ है तो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी। पूरी रेसिपी तो नहीं, अगर पूरी रेसिपी बन पाएगी तो बाद में कभी और शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो मैं सब्जी काट लेती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे स्टिकर कैसा है, आपको दिखाऊं? ये मैंने ना स्टिकर मीशो से मंगाया था। हाँ, मेरे लिए। ये देखिए अच्छा है ना, और बहुत रिजनेबल। मेरे लिए मंगाया, इसके लिए मंगाया था। ऑब्वियसली अभी बेबी हो, जो बेबी के लिए तो मंगा। मैं बढ़ाऊंगा तो बड़ों वाला स्टिकर मंगाऊंगा। तो चलती हूँ मैं अपने सब्जियाँ काट लेती हूँ। मैं कैसे काटती हूँ वो भी बताती हूँ थोड़ी देर में। कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ऐसे बड़े बड़े में काटनी है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है। अब मैं पहले कैप्सिकम और अनियन फ्राई करके निकाल लूँगी। जिसको करना है डीप फ्राई भी कर सकता है, बट मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ। ऐसे थोड़ा सा ऑयल करके उसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए वो। देखिए इस तरीके से बड़े बड़े ब्लॉक्स में मैंने काट लिए हैं अनियन और कैप्सिकम दोनों सेम साइज़ के। तो इस तरीके से मैं पहले इसको भून लूँगी, भून के निकाल लूँगी, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें इसी ऑयल में करूँगी। ये देखिए मैंने इस साइड चावल रख दिया है, चावल मैं खुले ही पकाती हूँ, ये आप सब लोग को पता है। ये कैप्सिकम और अनियन फ्राई करके निकाल लिया है, उसी ऑयल में अब मैं तड़का लगाऊँगी। आप देख सकते हो इस तरीके से करके हम लोग को निकाल लेना है फ्राई करके पहले ही। देखिए इस तरीके से हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर दूँगी। और बीच में जो ऑयल है ना, उसमें करीब मैं 1 चम्मच बेसन डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मैं मतलब 2 ही लोग हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा ही बेसन डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन करो ना तो बेसन बेसन का टेस्ट आता है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। मैंने इसमें बेसन मिला दिया था, फिर टमाटर और मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची वो सब मिला दिया था। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें ना मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, तो क्योंकि दही डालनी है ना तो दही फट जाती है, कई बार ये गर्म रहता है। या तो एकदम आप लो फ्लेम पर डाल के लगातार उसको चलाते रहो, या तो बंद कर दो, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अब इसमें मैं दही मिलाऊंगी ताकि वो फटे नहीं। तो आप देख सकते हैं दही डालने के बाद किस तरीके से ये हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं कैप्सिकम डाल के अपनी सब्जी। सॉरी हाँ, मैं छब्जी बोल देती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ ना मैं छब्जी बोलते होते, मेरी आदत पड़ गई है, हमेशा सब्जी की जगह छब्जी निकल जाता है मेरे मुंह से। लास्ट वीडियो में भी मैं जब आलू टमाटर की वो सब्जी बनाई थी पूड़ी के साथ, उसमें भी मैंने छब्जी बोल दिया था। लास्ट में मैंने रियलाइज किया था कि मेरी सब्जी की जगह छब्जी मुँह से निकल गया था। तो आप लोग माइंड मत करना, बच्चे के साथ साथ में बोलते बोलते ना थोड़ा बहुत ऐसे निकल जाता है कभी कभी। देखिए इसमें मैंने पानी डाल दिया, अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि बेसन है, तो 2 मिनट उबल जाएगा ये, गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो पक जाएगा, फिर ये तो हमारा पका हुआ ही है, बाद में इसको मैं ऐड करूँगी। अभी इसको हम पकने देते हैं, तब तक जाते हैं थोड़ा सा और भी काम है। तो मैं सब्जी रख दी हूँ अपनी, मेरी सब्जी बन रही है अभी, थोड़ा सा उसको पकने में टाइम जाएगा क्योंकि अभी कैप्सिकम मैंने नहीं डाला है। ये देखिए एलिफेंट आपको दिख रही है छोटी सी, ये एलिफेंट कहाँ मिली थी बेटा? मैं एक बार किंडर जॉय खाया था, तो उसमें एक दो कुछ खिलौने रहते हैं ना, आपने तो देखा ही होगा। तो वही मैं जब किंडर जॉय खा रहा था तो यही एलिफेंट निकला खिलौने वाला। हाँ, और अभी आप क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बेटा करो जल्दी से फास्ट। हाँ, कर रहा हूँ।
उस दिन जो हम लोग वहां मॉल गए थे, बुक आपके साथ शेयर की थी कुछ। भैया दिखाओ बुक अपनी, तो ये देख सकते हैं इसको, ये सब इसकी बुक है। बट आपने कितना किया है इसमें से, ये देखिए, ये सब इसने, ये देखो बिलो अबव, ये सब सब इसने, देखिए सब सब ये देखिए मैं कितना नीट क्लीन करता हूँ, नीट क्लीन करते हैं ये सब कलर कलर जो है वो कर लिए, सॉरी कलर वाला रह गया है, बाकी ये सब देखिए जो मार्किंग वो सबका है ना, वो सब कर लिए हैं। और बेटा आपकी दूसरी बुक थी जिसमें मैथ सॉल्व कर रहे थे, ये देखिए ये सब इसने यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया। ये देखिए नंबर्स कितने अच्छे लिखे हैं ना मेरे बेबी ने, कितना नीट क्लीन वाला है इसने। मम्मी बेबे एक और पेज दिखा दे, तो मैं कितना अच्छा लिखता हूँ ना। ये मेरा बेबी बहुत अच्छा लिखता है और बहुत स्वीट बेबी है। अनमोलू भाई तो ना पता बताऊँ कैसे लिखता है ऐसे। अनमोलू भाई नहीं, वो आपका मामू है। नहीं मेरे भाई को ये भाई बोलता है क्योंकि इससे वो 3 साल ही बड़ा है ना, तो बोलता है नहीं वो भी भाई बोलने मामू बोलने पे चिढ़ गया। वो मेरा भाई है। हाँ वो इसका भाई है। मैं मेरा भाई कौन बनेगा, मेरा भाई कोई नहीं बनाए तो इसीलिए वो उसको भाई बोलता है। तो अभी मैं ये थोड़ा सा पढ़ाई कर लेगा, फिर मैं जाऊंगी रोटी बनाने, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग नीचे जाएंगे वॉक करने। लोग नीचे वॉकी वॉकी करने जाएंगे। हाँ, जब नीचे वॉक करने जाएंगे तो मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि हमें क्या लेना है जिससे मच्छर नहीं काटता है। रोल ऑन लेना है। हाँ, रोल ऑन हम लोग को रोल ऑन लेना है, वो हम लोग रोज रोज भूल जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग पैर हाथ में लगाएंगे तब हम लोग को मच्छर भी नहीं काटेगा। आप भी ले सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन ले सकते हैं, शॉप में भी जाके ले सकते हैं, जैसे मिल जाए वैसे ले सकते हैं। हाँ, ओके मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, बाय बाय गुड नाइट। गुड नाइट नहीं। हाँ, अभी ब्लॉग आगे कंटिन्यू करना है। अगर आज नहीं एंड कर पाए तो कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जब हम लोग खाना खा लेंगे तो हम लोग मूवी देखेंगे, बताने उसका नाम क्या है। उसका नाम है कुछ बेल, पता नहीं कौन सा है। तापसी हाँ? पन्नू की न्यू मूवी आई है, एनाबेल राठौर। हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखिए अभी हमारी लिफ्ट आ रही है, हम वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा ये देखो, ये वहाँ पे डॉगी है ना, वहाँ पे उससे बात करने के लिए जा रहा है। आप जाओ, ये देखो लिफ्ट आ गई है, 16 पे पहुँच गई, अभी आने वाली है। तो मेरी सिस्टर का और मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा था, वो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, खाना खा लिए, मैंने आपको बताया था खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करने जाएंगे। जल्दी आ जाओ, बाय करके आ जाओ उसको। ये देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं, ये देखिए रिसेप्शन एरिया बिल्डिंग। हम लोग लिफ्ट में थे, 18 तो बहुत छोटा नंबर है, हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। हम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे 2-3 राउंड लगाएंगे, है ना बेटा। हाँ। 2-3 राउंड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फिर हम लोग घर पे जाएंगे। आपके पापा नहीं आए ना, इसके पापा नहीं आए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था। मैंने बोला कि आप चलो, तो बोले कि नहीं। मैंने कहा फिर हम लोग जाके आते हैं, हम लोग को थोड़ा सा घूमना है। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं मास्क नीचे कर लेती हूँ। हाँ बेटा कितना अच्छा दौड़ता हूँ ना। हाँ ये कितना अच्छा दौड़ता है ना, मैं आपको बैक कैमरा की हूँ। बहुत फास्ट भी है। अगर मैं रेस में जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे ही ट्रॉफी मिलेगी। हाँ तो आप जब थे, आप उसमें कौन से नर्सरी में थे, तो आप तो फर्स्ट आए भी थे। वो आपने वीडियो अपना नहीं देखा था। हाँ, पर मैंने उसमें ट्रॉफी नहीं ली थी। हाँ ट्रॉफी नहीं ली थी, इतने छोटे बच्चों को ट्रॉफी नहीं मिलती। चलो यहाँ पे आओ, चलो यहाँ पे इधर से चलो। हाँ यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पे। हाँ अगर इसके फ्रेंड लोग मिल गए यहाँ पे तो ठीक है ना बेटा। नहीं तो ये थोड़ा झूला पे झूलेगा और मैं थोड़ा वॉक करूंगी, फिर हम लोग जाएंगे घर पे। ये हमारे बिल्डिंग का मंदिर है, नीचे कैंपस में जो मंदिर है वो मंदिर है। मैं सोची कि थोड़ा सा मैं इसी रास्ते से जा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और ये देखिए आगे वाटरफॉल है, यहाँ पे बेबी जा रहा है,
उसको बहुत अच्छा लगता है कलरफुल लाइट, तो वही देखने के लिए जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, उसको देखो ये खेल रहा है यहाँ पे। ये ना आपको मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सुंदर लगता है ना ये रात में, ये देख सकते आप। ये स्विमिंग नहीं करें, इसमें स्विमिंग करेंगे तो इसकी वजह से इनको इधर अकेले नहीं छोड़ सकती मैं, इसके आसपास ही मैं वॉक कर रही हूँ, नहीं तो ये स्विमिंग करने लगेगी इसी में। अरे सुनो, जब मैं पहली बार उस वाटर के पास आया था तब मैं, मुझे मन कर रहा था इसमें स्विमिंग करने का। हाँ तो ये इसी में स्विमिंग करेंगे, और आपने बोल दिया ये गंदा पानी है इसलिए मैंने देखिए हम दोनों झूला झूल रहे हैं, मैं और मेरे बेबी, है ना बेटा, झूला झूला मैं भी झूल रही हूँ, ये देखो मैं भी झूल रही हूँ झूला, मैं और बेबी साथ में झूलेंगे, है ना बेबी, अपना झूलेगा मैं अपना झूलूंगी, बहुत मजा आती है ना बच्चों के साथ खेलने में हम लोग को भी अपना बचपन इंजॉय करने मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा झूला झूलती हूँ, मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग देख रहे हैं मुझे कि ये क्या पागलों जैसे फ़ोन पे कर रही है अब सबको तो पता नहीं है मैं क्या पागलपन कर रही हूँ तो इसलिए मैं कैमरा बंद करती हूँ, मैं थोड़ा सा झूला झूलती हूँ। ये फैमिली अभी आपने देखा कि हम लोग नीचे से आ गए हैं, अब मैं सारा काम मेरा हो गया है, हम लोग सोने जा रहे हैं। मैं पी रहा हूँ हल्दी दूध, उसके बाद मैं चौपरस खाऊंगा। तो अभी मैं, ये देखिए मैंने बादाम भिगा के रख दिया है सुबह के लिए, फिर अभी जा रही हूँ मैं दूध गर्म करने, लड्डू गोपाल को दूध पिलाऊंगी और फिर मेरा बेबी हल्दी दूध पिएगा और फिर उसके बाद च्यवनप्राश खाएगा। बेटा च्यवनप्राश खा लो, तब तक ले लो ये देखो। तो ये तो मैं जा रही हूँ इनको च्यवनप्राश देने, ये च्यवनप्राश खाएंगे फिर उसके बाद हल्दी दूध पियेंगे फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करते हैं, तो कल मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी एक नया ब्लॉग के साथ। छोटा रहता है तो अच्छा रहता है, शूट करते करते ना बहुत बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता इतना बड़ा हो गया है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट बेबी, आप भी सबको बाय बाय गुड नाइट बोलो। हाँ बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, सुबह मिलेंगे ओके बाय बाय।